देखिए, खरबूजा का बीज हमने निकाल दिया है। इसको धुल के निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इस बिल्कुल मैंने इजी तरीका आपको बता रही हूँ। देखिए, इसको जितने धुलेंगे उतने परेशान होंगे, पानी ज़्यादा गिरेगा आपका, अच्छे से ये निकल साफ नहीं होता। तो चलिए, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ, झटपट आप निकाल सकते हैं। खरबूजा का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए आप स्टोर करके, इस समय खरबूजे का टाइम चल रहा था, आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको तीनों तरीके से निकाल के दिखाया, जैसे हमने निकाल दिया खरबूजे में से। अब इसको इजी करने के लिए, फटाफट निकालने के लिए मैं तरीका दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने बीज, ये देखिए बीज नीचे हो गया है, इसका पल्प ऊपर ऊपर है। ये हमने सारे बीज हमने इसमें पानी डाल के डब्बे में इसको रख दिया था, रख दिया 1 दिन 2 दिन आप इसको रख दीजिए। ऐसे पानी भर के इसको रख देंगे ना, तो ये आपका बिल्कुल इजी तरीके से बीज नीचे हो जाएगा, पल्प सारे ऊपर हो जाएंगे। इसको पानी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से धो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको धुल के भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए सारे बीज आप देख सकते हैं, सारे बीज देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। ये अब बिल्कुल लसी भी नहीं है, आप इसे आराम से धुल के निकाल सकते हैं। इसको आप निकाल के फेंक दीजिए, इसको पानी से आप धुल लीजिए साफ, ये सारे बीज निकल जाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है आपका सारे बीज एक साथ हो जाने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल इजी तरीके से आप 2 दिन डिब्बा में बंद करके रख दीजिए, और आपका बीज आराम से निकल जाएगा। देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से निकल गया, 2 मिनट भी नहीं लगा, बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप चाहो तो धूप में रख दीजिए, या तो प्लेट में निकाल के रख दीजिए। मैंने आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले भी 2 खरबूजे का रखा है, ये भी अच्छे से सूख गया है, मैंने 2 खरबूजे का रखा है। अभी ये आप स्टोर करके रखिए, फिर मैं बिल्कुल इसका इजी रेसिपी बताऊंगी आपके लिए। तो इसी तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।